अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश की नई वीडियो में मैं सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश की नई वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो एज यूजल अपने बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश के जो राइटिंग है या जो कुछ है, ठीक है, उसके जो कंटेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो जो लाल में टॉपिक्स हैं वो सारे हम कवर कर चुके हैं, और आज का टॉपिक हमारा ब्लू में है और फ्यूचर टॉपिक हमारे ब्लैक में है, ठीक है। इंशाल्लाह हम इनको सबको थोड़ा सा ऐसी तरीके से करेंगे, ठीक है, कि ये चीज़ें आपको बड़ी क्लियरली अंडरस्टैंड होंगी, ठीक है। तो टिप्स की, आज का जो हमारा टॉपिक है टिप्स है, इसमें पैराग्राफ्स की बात कर चुके थे और सेंटेंसेस की बात कर चुके थे, ठीक है। तो आज हमारा जो बात करेंगे वो बात करेंगे वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस, यानी हमारे लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है। और इसके बाद एक दो वीडियोस लगाकर हम इस ये जो अपनी टिप्स हैं इनको कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, वर्ड्स एंड लैंग्वेज के अंदर हमारा 5 पॉइंट्स एजेंडा है, यानी 5 चीज़ों को हम कवर करेंगे। सबसे पहली है कि अवॉइड एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल लैंग्वेज। दूसरा है अवॉइड अन नेटिव लैंग्वेज। तीसरा है अवॉइड वैग लैंग्वेज। और चौथा है टेक्निकल टर्म्स। और पांचवा है अवॉइड बायस लैंग्वेज, ठीक है। इनको वन बाय वन हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आता है अवॉइड एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल लैंग्वेज। तो इससे क्या मुराद है, एब्स्ट्रैक्ट से क्या मुराद होता है, हमारी इमटेरियल सी बात या इस तरह की चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट या जनरल लैंग्वेज की बजाय हमें इस तरह करना चाहिए कि अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर हमें स्पेसिफिक होना चाहिए। हमें कुछ केयरफुल वर्ड्स, ठीक है, केयरफुल के स्पेलिंग या मेरे गलत हो गए, ठीक है, तो केयरफुल वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए बजाय उसके कि हम अपनी एब्स्ट्रैक्ट या जनरल लैंग्वेज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद होता है ऑर्नेटेड लैंग्वेज। ऑर्नेटेड से क्या मुराद होता है, डेकोरेटेड, ठीक है। बजाय इसके कि हम कोई डेकोरेटिव वर्ड यूज़ करें, उसके बजाय हमें सिंपल या डायरेक्ट वर्ड इस्तेमाल करने चाहिए, ठीक है। डेकोरेटिव लैंग्वेज हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज़ है अवॉइड वर्ड लैंग्वेज। वैग लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, ठीक है, वैग लैंग्वेज हमारी एक जनरल किस्म की लैंग्वेज होती है, ठीक है। उसकी बजाय हमें स्पेसिफिक फैक्ट्स को और फिगर्स को हमें यूज़ करना चाहिए बजाय इसके कि हम उसके अंदर वैग लैंग्वेज यूज़ करते रहें, ठीक है। और उसके बाद है हमारी जो ना टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल टर्म्स तुम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो टेक्निकल टर्म से मुराद ये होता है कि हर फील्ड की अपनी कुछ टर्म्स, लैंग्वेज लैंग्वेज टेक्निकल लैंग्वेज या वोकेबलरी होती है, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो उन स्पेशलाइज्ड किस्म की टर्म्स के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक सिंगल वर्ड्स के अंदर होती है, यानी एक सिंगल वर्ड के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन समाई होती है या बहुत ज़्यादा मालूमात समाई होती हैं, ठीक है। एक सिंगल वर्ड्स के अंदर बहुत कुछ हो जाता है। शायद उसके लिए हमें अगर जनरल लैंग्वेज यूज़ करें तो हमें शायद उसके लिए पेजेस या पैराग्राफ्स यूज़ करने पड़ जाएँ, लेकिन वहाँ एक वर्ड भी काम कर जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग घड़ी का टाइम की बात करते हैं, क्या टाइम हुआ है, ठीक है। तो टाइम अपने अंदर एक बहुत बड़ी एक इंफॉर्मेशन स्टोर करके बैठा होता है, ठीक है। टाइम से मुराद हम बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है, और उसे किसी भी कंटेक्स्ट में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये एक टेक्निकल वर्ड किस्म का है, यानी टाइम के अब क्या टाइम हुआ है, ठीक है, मिनट्स आवर्स में हो सकता है, या ये किसी हिस्ट्री का टाइम हो सकता है, फलाना टाइम हिस्ट्री, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो कि बहुत कुछ अपने अंदर समो के बैठी होती हैं। और अमूमन इनको जिस तरीके से आप रियल लाइफ में शॉर्ट हैंड देखते होंगे, कि बहुत बड़े पैराग्राफ या बहुत बड़ी लाइन को वो चंद जिगजैग किस्म के या विंगडिंग्स किस्म की फॉन्ट में अंदर तो लिख कर फौरन, यानी एक बड़े से पहले लाइन को एक छोटे से एक दो वर्ड्स के अंदर वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो इस उसको हम शॉर्ट हैंड कहते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत बड़ी टर्म यूज़ करने के बजाय टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं, तो उस टेक्निकल टर्म को भी हम वर्ड्स की शॉर्ट हैंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं एक चीज़ कहता चलूँ कि कुछ टेक्निकल टर्म थोड़ी मुश्किल होती हैं समझना, ठीक है, अगर आप उस फील्ड के साथ रिलेटेड नहीं हैं या फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम आप लोगों को असूल बताने हैं, कौन से असूल फॉलो करेंगे तो स्पेशलाइज टर्मिनोलॉजी यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो चार किस्म के असूलों पर बात करेंगे। पहले तो हमें यह है कि हमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, ठीक है, या टेक्निकल टर्म यूज़ करने चाहिए, वो हमें
रीडर्स की एबिलिटी या स्लाइड को देख के यूज़ करने चाहिए, बहुत हाई फाई किस्म के वर्ड्स हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो हम टर्म या जो टेक्निकल वर्ड्स हम यूज़ करें, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें कॉन्स्टेंटली यूज़ करें, ठीक है। उसके बजाय हम उनके अल्टरनेटिव की तरफ ना जाएं, ठीक है, अल्टरनेटिव या सिनोनिम की तरफ ना जाएं, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि हमें जो हमें टर्म्स नहीं पता, ठीक है, तो हमें उनकी क्लियर डिफिनेशन, ठीक है, या एक्सप्लेनेशन, जो नई किस्म की या अनफेमिलियर किस्म की टर्म्स हैं उनकी क्लियर किस्म की डिफिनेशन या एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमने कोई नई टर्म्स यूज़ करें या नए कोई टेक्निकल वर्ड यूज़ करें, तो हमें उसकी टर्मिनोलॉजी लिस्ट भी यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी लिस्ट अमूमन हमारी जो होती है वो इंडेक्स से पहले या इंट्रोडक्शन से पहले या अपेंडिक्स के अंदर मौजूद होती है, ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जो पांचवी चीज़ है वो होती है बायस लैंग्वेज, ठीक है। बायस लैंग्वेज से मुराद ये आता है कि हमें किसी भी किस्म की चीज़ पर हमें बायस नहीं होना चाहिए, या जैसे सेक्स हो गया, यानी हमें उस चीज़ पर तफरीक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सेक्स हो गया, एज हो गई, फिज़िकल एबिलिटी या डिसेबिलिटी, यानी इन चीज़ों पर हमें किसी की को डिस्क्रिमिनेट या उसके ऊपर हमें उन्हें सेपरेट नहीं करना चाहिए या उन्हें अपना उनसे तनफर या नफरत का इजहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो हो सकती है सेक्स की बुनियाद पर, यानी मेल फीमेल या कुछ शी मेल या कुछ इस तरीके से, ठीक है, जेंडर, ठीक है। उसके अलावा एज हो गई, कि एज के हिसाब से हम किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करें। उसके अलावा हमारी फिजिकल एबिलिटी या डिसेबिलिटी के, अगर आप किसी के पास एक खूबी है तो उसको उस चीज़ पे डिस्क्रिमिनेट ना करें, या किसी के पास डिसेबिलिटी है या किसी के पास वो चीज़ नहीं मौजूद तो हमें इस चीज़ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। उसके अलावा एथनिक आइडेंटिटी, एथनिक आइडेंटिटी से मुराद ये होता है कि हमारे कुछ कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, हर इलाके की और होती है, दूसरे इलाके की और होती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमारे कल्चर थोड़ा रिच है तो या कुछ इस तरीके से है तो दूसरे कल्चर में कुछ और चीज़ पाई जाती है तो हमें उन चीज़ों पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। यानी इन चीज़ों का हमें जब अपनी माइक्रोस यानी अपनी जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन है या टेक्निकल कम्युनिकेशन है, उनके अंदर इन वर्ड्स के अंदर इन असूलों को काबू यानी हमें फॉलो करना चाहिए। यानी हमें जनरल किस्म के वर्ड नहीं यूज़ करने चाहिए, स्पेसिफिक किस्म के वर्ड यूज़ करने चाहिए, ऑर्नेटेड या डेकोरेटेड लैंग्वेज को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा हमें अवॉइड किस्म की लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि स्पेसिफिक फैक्ट यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा हमें टेक्निकल टर्म्स को जो मैंने आप लोगों को गाइडलाइन बताई है उस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके अलावा हमारी आती है बायस लैंग्वेज, हमें बायस लैंग्वेज को अवॉइड करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।